빠져들지. ओम श्री भगवान महापुराण तृतीय स्कंद अथ पंचमोध्याय श्री शुकवाच द्वारी दिन द्वारी सह कुरुणा मैत्रेय मासी नमगाध बोधम क्षेत्रोपसृत्याच्युत भाव शुद्ध पप्रछ सौशील गुणा भितृत विद्रोवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको न तहि सुखम वान्न दुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदे जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवाद्धर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य तत्साधुवर्यादिश ब्रह्म सम्नः सम्राधितो भगवान् येन पुंसान् हृदिश्चितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं सतत्वाधिगमं पुराणं करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतन्त्रो भगवांस्तेधीशः यथा ससर्जाग्र इदं निरीह संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते यथा पुनः स्वेख इदं निवेश्य शेते गुहायां सन्निवृत्तवृत्तिः योगेश्वराधीश्वर एक एते दनु प्रविष्टो बहुधा यथा आशीर् क्रीडन् विधत्ते द्वेषो गोऽसुराणां क्षेमाय कर्माणि वतारभिः मनो न तृप्यत्यपि श्रुणतामहं सुश्लोकमौलेश्चरितामृतानि येष्ट भेदैरधिलोकनाथो लोकान् रोगान् सह लोकपालान् अचिः क्रीपद्यत्र हि सर्वसत्त्वनिकाय भेदोऽधिकृतः प्रतीतः येन प्रजानामुत आत्मकर्म रूपाभिधानां च भिधां व्यधत् नारायणो विश्वसिडात्मयोनि रेतचनो वर्णय विप्रवर्य परावरेषां भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखाद् भीष्णम् अतृप्नु म क्षुल्लसुखावहानां तेषां हृदये कृष्णकथामृतोघात् कस्त्रीप्यनुप्या कस्त्रीप्नुया तीर्थपदोभिधानात् सत्रेषु वः सूरिभिरीड्यमानात् यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनति मुनिर्विवक्षुर्भगवद् मुनिर्विवक्षुर्भगवद् गुणानां सखापिते भारतमः कृष्णः यस्मिन् नृणां ग्रामे सुखानुवादैर्मतिर्गृहीतानुहरेः कथायां शास्त्रदधानस्य विवर्धमान विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः हरेः पदानुस्मृतिनिर्वृतस्य समस्तदुःखात्ययमाशुधत्ते ताञ्छोः च शोच्या न विदोः निशोचे हरेः कथायां विमुखानघेन शृणोति देवो निमिषास्तु येषा मायुर्वृथा बाधगतिस्मृतीनां तदस्य कौसारवद्ध शर्मदातुर्हरेः कथामेव कथा सुसारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्तबन्धो शिवाय नः कीर्तय तीर्थकीर्तेः सविश्वजन्मस्थितिसंयमाथे कृतावतारः प्रगृहीतशक्तिः चकारकर्माण्यति पुरुषाणि यानि स्वरः कीर्तय तानि मह्यं श्रीशुक उवाच य एवं भगवान् पृष्ठक्षेत्र कौसारभिर्मुनिः पुंसां निश्रेयसाथेन तमाह बहुमानयन् मैत्री उवाच साधु पृष्ठं त्वया असाधु लोकान् साधुनुगृह्णता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनो दोक्षजात्मनः न त चित्रं त्वयिच्छत्र बालरायण वीर्यजे गृहीतो नन्यभावेन या त्वया हरिरीश्वरः माण्डव्यशापाद् भगवान् प्रजासं यमनो यमः भ्रातुः क्षेत्रे भ्रातुः क्षेत्रे भुजि श्यायां जातः सत्यवती सुदात् भवान् भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्य च यस्य ज्ञानोपदेशाय महादिशद् भगवान् प्रदन् अथ ते भगवान् लीला योगमायोपदृम्भिताः विश्वस्थितिर्भवान् तथा वर्णयाम्यनु पूर्वशः भगवानेक आसीद् मग्र आत्मात्मनां विभो आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षणः सवा येष तदा द्रष्टा न पश्य दृश्यमेकराट् मेने सन्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृग् सा वा एतस्य संद्रष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका माया नाम महाभाग येदं निर्मदे विभो कालभृत्या तु मायां गुणमय्या मधोक्षयः पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान् ततो भवन् महत्तत्त्वमव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानात्मात्मदेहस्तं विश्वं व्यञ्जं स्तम्भोऽनुदः स्वयं सोप्यं स गुणकालात्मा भगवद्दृष्टिगोचरः आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य शिक्षया महत्तत्त्वाद् विकुर्वाणा दहं तत्त्वं व्यजायत कार्यकारणकर्त्रात्मा भूतेन्द्रियमनोमयः वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा अहं तत्त्वाद् विकुर्वाणन् मनो वैकारिकादभूत् वैकारिकाश्चय देव अर्थभिव्यञ्जनं यतः तैजसानिन्द्रियाणेव ज्ञानकर्म मयानि च तामसो भूतसूक्ष्मादिर्यतः खम्लिङ्गमात्मनः कालमायां सयोगेन भगवद्वीक्षितं नवः
नभसेन सीताम स्पर्शन भिकुर्वन निर्मने निलम अनिलोपी भिकुर्वाण नभस्वरु बलानित ससर्ज रूप तन्मात्रम ज्योतिर्लोकस्य लोचनम अनिलेनानितम ज्योतिर्भिकुर्वत् परवीक्षितम आधत्ताम्भोरसमयम काल मायां संयोगतः ज्योतिषाम्भोनुषां सृष्टं विकुर्वद् ब्रह्म वीक्षितं महिमन् महिम गन्धगुणामाधात् कालमायां संयोगतः भूतानां नवादीनां यद्यद् भव्या बराबरं तेषां परानुषां सर्गाद् यथा सङ्ख्यं गुणान् विदोह यते देवाः कलो कला विष्णुः कालमायां संलिङ्गिनः नानात्वात् स्वक्रिया निशा प्रोचुः प्राञ्जलयो विभुं देवाऊचुः नमामते त नमाम ते देवपदारविन्दं प्रपन्नतापोपशमातपत्रं यन्मूलकेतायतयोञ्जस्वरूप संसारदुःखं बहिरुत्क्षिपन्ति धातर्यदस्मिन् भव ई सञ्जीवा स्थापत्रयेणोपहता न शर्म आत्मन लभन्ते भगवंस्तवाङ्घ्रि छायां सविद्यामत आश्रयम मार्गन्ति यते मुख पद्मनीडैर्छन्दः सुपर्णैर्षयो विविक्ते यस्याघमसो दशरीद्वराया पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्नः यश्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या संवृज्यमाने हृदये बधाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा प्रभेम तत्तेङ्घ्रिशरोदपीठं विश्वस्य जन्मस्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छ सत्यभयं स्वपुंसां यत् सानुबन्धे सती देहरोगे देहगेहे ममाहमित्यूढदुराग्रहाणां पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजेम तत्ते भगवन्पदाब्जं तान् वै ह्यसद्वृत्तिभिरीक्षिभिरक्षिभिर्ये पराहृतान्तर्मनसः परेश अथो न पश्यन्तुर्गाय नूनं एते पदन्यासविलासलस्म्यः पानेन ते देवकथासुधायाः प्रवृद्धभक्त्या विशदाशयाय वैराग्यसारं प्रति लभ्यबोधं यथाञ्जसान् कुण्ठधिष्ण्यं तथा परे चात्मसमाधियोग बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिशां त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमस्यान्न तु सेवयाते तत्ते वयं लोक शिशिक्षया दिद्य त्वयानुसृष्टा स्त्रीभिरात्मभिः स्म सर्वे वियोक्ताः स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवे ते यावद् बलिं तेज हरामकाले यथा वयं चान्न मदाम यत्र यथो भयेषां तैमे हि लोका बलिं हरन्तो न मदन्त्यनुहा त्वं न सुराणामशीशान्न यानां कूटस्थाद्य पुरुष पुराण त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयोनौ ऋतस्त्वजायां कविमा दधेदः ततो वयं सप्रमुखा यदर्थे बभूविमात्मन् करवाम किं ते त्वं नः स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देवक्रियार्थे यदनुग्रहणं श्रीमद्भागवतमा प्राणिपाणि सन्तान्तस्कन्धे पञ्चमध्याय श्रीहराय नमः भक्तिसुतौतरणोग्रीता प्रेमैकरूपा सहसाभिरासि श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानिं हरिवदन्ति अथ षष्ठोऽध्याय श्रीवाच इति तासां स्वशक्तीनां सतीनाम समेत्य सः प्रसृतलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः कालसंज्ञां तदा देवीं बिभ्रशक्तिमुरुक्रमः त्रयोविंशतितत्त्वानां गणं युगपदाभिषर सोनु प्रविष्टो भगवान् चेष्टारूपेण तं गणं भिन्नं संयोजयामाश सुप्तं कर्म प्रबोधयन् प्रबोधकर्मा दैवेन त्रयोविंशतितो गणः प्रेरितो जनयात् स्वामिर्मात्राभिरधिपुरुषं परेण विशता स्वस्मिन् मात्रया विश्वश्रीगणः चुक्षो भान्योन्यमासाद्य यस्मिन् लोकाः सराचराः हिरण्मयः स पुरुषः सहस्रपरिवत्सरान् अण्डकोश उवासाप्सु सर्वसत्त्वोपबृंहितः सबै विशेषजां गर्भो देवकर्मात्मशक्तिमान् विभभाजात्मना आत्मान मेकदादश धातृदा एष ह्यशेष सत्त्वान् मात्मांसः परमात्मनः आद्योऽवतारोऽत्र यत्रासो भूतग्रामो विभाव्यते साध्यात्मः सादिदैवश्च सादिभूत इति त्रिधा विराट् प्राणो दशविध एकधा हृदये न च स्मरन् विशेषजामीशो विज्ञापितमधोक्षजः विराजमतपतस्वेन तेजसैषां विवृत्तये अथ तस्या तस्य क्वति चायतनानि निरभिद्यन्तदेवानां तानि मे गततः शृणु तस्याग्निराश्यं निर्भिन्नं लोकपालो विशदपदं वाचा स्वांसे न वक्तव्यं ययासौ प्रतिपद्यते निर्भिन्नं तानुवरुणो लोकपालो विशद्धरे जिहोयांसेन च रसं ययासौ प्रतिपद्यते निर्भिन्ने अश्नो विनाशे विष्णुराविशतां पदं घ्राणे नांसे न गन्धस्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत् निर्भिन्ने अक्षणी त्वष्टा लोकपालो विशद विभो चक्षुषांसेन रूपाणां प्रतिपत्तिर्यतो भवेत् निर्भिन्नान्यस्य चर्माणि
लोकपालोनी लोक विषद प्राणी नाम से न संस्पर्शम ये नाश प्रतिपद्यते कर्णावश्य विनिर्भिन्नो धीष्ण्यम स्वम विविशूर दिशा श्रोत्रे नाम से न शब्दस्य सिद्धिम ये न प्रपद्यते त्वचमस्य विनिर्भिन्नम विविशूर धीष्ण्यम वो सधि वंशेन रोम भी कंडुम ये रसौ प्रतिपद्यते मेढम तस्य विनिर्भिन्नम स्वधीष्ण्यम कौपा विषद रेत शाम से न ये नाश व आनंदम प्रतिपद्यते ए गुदम पुंसो विनिर्भिन्नम मित्रो लोके सा वायु नाम से न ये नाश विसर्गम प्रतिपद्यते हस्तावश्य विनिर्भिन्न विन्द्र स्वरपतिरा विशद वार्तयाम से न पुरुषो यृतिम प्रपद्यते पादावश्य विनिर्भिन्नो लोकेशो विष्णुरा विशद गत्या स्वाम से न पुरुषो याप्राप्यम प्रपद्यते बुद्धिम चाश्य विनिर्भिन्न बागीशो धीष्णम विशद बोधे नाम से न बोधव्य प्रतिपतिर्यतो भवेद हृदय चाश्य निर्भिन्नम चंद्रमा धीष्णम विशद मनसाम से न ये नाशो विक्रिया प्रतिपद्यते आत्मा चाश निर्भिन्न महिमानो विशद पदम कर्मणाम से न ये नाशो कर्तव्य प्रतिपद्यते सतम चाश्य विनिर्भिन्न महान धीष्णमुपा विशद चित्ते नाम से नये नाशो विज्ञानम प्रतिपद्यते शिष्णुश देवधरा पदभ्याम खम नावेरुद पद्यत गुणानाम प्रतयो येषु प्रतीयन्ते सुरादय आत्यंतिकेन सत्वेन दिवम देवः प्रपेदिरे धराम रजः स्वभावेन पणयो ये च ताननु तीतार्तियेन स्वभावेन भगवन्नाभिमाशितः उभयोरन्तरं व्योम ये रुद्र पार्षदां गणः मुखतो वर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तुन्मुखत्वाद्वर्णानां मुख्योभूत ब्राह्मणो गुरुः बाहुभ्यो वर्तत क्षेत्रं क्षत्रियस्तदनुव्रतः यो जातस्त्राहत यते वर्णान् पौरुषः कण्टकक्षताद् विशो वर्तन्त तस्योर्वोर्लोकवृत्तिकरिर्विभो वैश्यस्तदुद्भवो वातं नृणां यः समवर्तयत् पद्भ्यां भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धे तस्यां जातः पुरा शूद्रो यद्वृत्त्या तुष्यते हरिः एते वर्णः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रदयात्मविशुद्ध्यर्थं स यज्जातः सह वृत्तिभिः एतच्छतर्भगवतो एतच्छतर्भगवतो दैवकर्मात्मरूपिणः कश्रद्ध्याद्युपाकर्तुं योगमाया बलोदयम् अथापि कीर्तयाम्यङ्ग यथामति यथाश्रुतं कीर्तिं हरेः स्वां सत्कर्तुं गिरमन्यभिधासतिम् एकान्तलाभं वचसो नृपुंसां सुश्लोकमौलिर्गुणबाधमाहो श्रुतेश्च विद्वद्भिरुपाकृतायां कथासुधायामुपसंप्रयोगम् आत्मनो वसितो वत्स महिमा कविनादिना संवत्सरसहस्रान्ते धिया योग विपक्वया अतो भगवतो माया मायिनामपि मोहिनी यस्वयं चात्मवर्तमात्मा न वेद किमुता परे यतो प्राप्य निवर्तन्त या वाचश्च मनसा सह अहं चान्य इमे देवास्तस्मै भगवते नमः इति श्रीमद्भागवतमा प्राणिपालन सिद्धान्त सुदया श्रीहरय नम भक्ति सुधरण कृपा प्रेम करूपा सहसा विराश श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे दिनामा मुहुर बदंती नाथे दिनामा मुहुर बदंती श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहे विवसमितमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणी गोविंद दामोदर माधवेति छैठौं अध्यायको कथासार शुभ सुधाबाट विराज मसिजन प्राप्त शक्तयो महदादय देवयुक्ता अवर्तन्त तदंशः स्वस्वकर्मसु छैठौँ अध्यायमा परमेश्वरबाट शक्ति प्राप्त गरेका महत्त्व आदि देवताहरूले विराट पुरुषको सृष्टि गरे भेदयु देवयुक्त ती नारायणका अंश देवताहरू आफ्नो आफ्नो कर्म गर्दै रहे मैत्रीले भन्नुभयो हे विदुर भगवान् नारायणबाट शक्ति प्राप्त गरेका महत्त्व आदि देवताहरूले अध्यात्म अधिदैव र अधिभूतको भेदले तीन स्वरूप भएको विराट पुरुषलाई सृष्टि गरे अग्नि वरुण अश्विनी कुमार आदि देवताहरूले अधिष्ठित भएका विराट पुरुषका जिब्रो नासिका आँखा छाला कान लिङ्ग गुदद्वार हात पाउ मन अहङ्कार आदि महत्त्वहरू तथा क्रमशः वचन रचना घ्राण दर्शन स्पर्शन चार वर्ण ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र आदि प्रजाहरू उत्पन्न भए विराट पुरुषलाई यथार्थ बताउन र माई पुरुषहरूलाई पनि मोह पार्ने भएको हरिको महिमा भन्न
कुनै विद्वान पनि समर्थ हुँदैन यस प्रकार विराट पुरुष नारायण हरिको महिमा अथार गम्भीर छ भन्नेसम्मको प्रसङ्ग छैठौँ अध्यायबाट श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहे विवस्वामित देव गोविन्द दामोदर महाधवेती। अब भागवत पुञ्जबाट स्वय कथासार प्रस्तुत गर्दैछ छैठौँ अध्यायको मैत्रेय भन्दछन् छैठौँ अध्याय चेतनको शुभ रूप लिएर यी सब पस्यो जब उठ्यो विराट बुद्धि हृदय मन आँखा तालु कान बन्यो अनि खुट्टा हात त्यसमा देउता बसे गएर निज निज इन्द्रिय साथ लिए स्वर्ग भयो शिर अन्त र नाभि पद भयो प्रभुको यो पृथ्वी मुख कर उर पदद्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य र शूद्र यति क्रमले जन्मे वृत्तिसँगैले जुन गर्दा हरि हुन्छ खुसी जुन गर्दा हरि हुन्छ खुसी वाणीको एकान्त लाभ त प्रभुको लीला गाउनु हो कान मिलेको लाभ महान कृष्ण कथामा लाउनु हो भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमते गोविन्दम भज मूढमते ध्येयं गीता नाम सहस्रं ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रं ध्येयं सज्जन सङ्गे चित्तं ध्येयं दीनजनाय च वित्तम् भज गोविन्दम भज गोविन्दम भज गोविन्दम भज गोविन्दम भज मूढमते ॐ नमो नारायणाय विष्णवे नमः विष्णवे नमः ॐ हरि हरि ॐ जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्तजनौ के संकट साधु जनौ के संकट छानि दूर करे ॐ जय जगदीश हरे ॐ जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्तजनौ के संकट दास जनौ के संकट छानि दूर करे ॐ जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ॐ जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसके स्वामी शरण गहूँ किसके तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस करूँ जिसके ॐ जय जगदीश हरे तुम पूरण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ॐ जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मई सेवक तुम स्वामी मई मूरख खल कामी कृपा करो भरता ॐ जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सम स्वामी स्वामी सम के प्राणपति किस विद मिलु दयामय किस विद मिलु दयामय तुमको मई कुमती ॐ जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे प्रभु तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे ॐ जय जगदीश हरे
विषय विकार मिटाओ पाप हर देव स्वामी पाप हर देव प्रभु पाप हर देव श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट शंकर शंभो जय गिरिजाधीश शिव जय गिरिजाधीश जय जय करुणा सागर जय जय करुणा सागर पशुपति जगदीश ओम जय जगदीश हरे भगवान की